नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में तेजी से एक नजर डालते हैं राज्य की अहम खबरों पर। कर्नाटक के गृह मंत्री ने की शिवमोगा में शांति बनाए रखने की अपील। मुस्लिम इलाके में क्यों लगाई सावरकर की फोटो, सिद्धरामैया ने बीजेपी से पूछा। सावरकर पोस्टर को लेकर कर्नाटक के शिवमोगा में सांप्रदायिक तनाव के कारण दो चाकू मारे गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने स्वतंत्रता दिवस पर नई योजनाओं की घोषणा की। कर्नाटक सरकार का नया पारदर्शिता उपकरण, इंफ्रा कार्यों में धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए। स्वतंत्रता मार्च, डीके शिवकुमार ने सुशासन का वादा किया। लोक अदालत में एक ही दिन में निपटाए गए 8.34 लाख से अधिक मामले। भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए बेंगलुरु के पूर्व शहरी डीसी मंजुनाथ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बेंगलुरु फ्लाइट के बॉम्बर दहशत फैलाने वाले पर मामला दर्ज। कर्नाटक के सीएम स्वराज बोम्मई ने सरकारी विज्ञापन का बचाव किया, कहा कि वह आरएसएस की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक में बीसीएम छात्रावासों में 25% अधिक प्रवेश, कोटा श्रीनिवास पुजारी ने बताया। भद्रावती में हिंदू युवक की चाकू मारकर हत्या। झंडा नहीं फहराने पर प्रधान अध्यापिका की आलोचना। कर्नाटक के मंत्री मधुस्वामी का कहना है कि सरकार किसी तरह प्रबंधन कर रही है, वो मैंने स्पष्ट किया। नेहरू को कर्नाटक सरकार के विज्ञापन से जानबूझकर हटाया गया, भाजपा का कहना। बेंगलुरु में निर्धारित धरना स्थल पर प्रदर्शन नहीं करने पर 72 किसान गिरफ्तार। शिवमोगा के कुछ हिस्सों में धारा 144, सावरकर की तस्वीर वाले स्वतंत्रता दिवस के पोस्टर पर विवाद के बाद। कर्नाटक में ओमिक्रॉन उपवंश प्रमुख कोविड उपभेद बने हुए हैं। कर्नाटक सरकार 81 सजायाफ्ता कैदियों को रिहा करेगी जिन्होंने जेलों में अपने कार्यकाल के 50% से अधिक की सेवा की है। कर्नाटक पीएसआई परीक्षा घोटाले में सीआईडी जांच में गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी के वित्तीय लेनदेन पर केंद्रित। केपी एक्सप्रेस कर्नाटक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।